नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, छठ पर्व मनाया जा रहा है, पूरे देश में इस पर्व की धूम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यानी कह सकते हैं कि अमूमन कई राज्यों में छठ पर्व मनाया जाता है और आज दूसरा दिन है और कल अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक वीडियो सामने आया है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो में कैसे एक दबंग मेयर को गुस्सा आ गया। गुस्सा उस समय आया जब वह विजिट करने निकली थी कि किस तालाब में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, लेकिन एक तालाब सूखा दिखा उनको और सूखा देखते के साथ उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। फिर क्या था, उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारी को फोन लगा दिया और किस कदर क्लास लगाया जरा आप भी देख लीजिए। अच्छा, नहीं, एक बात, दोनों कानों को खोल लो, अगर मैं ले तो उसमें से निकाल लो उंगली देखे। अगर ये आज 6 बजे तक कंपनी चला, मैं तुम्हें चला दूंगी इसमें आकर, तुम्हें खड़ा करके और पाइप तुम्हारे में लगा के पंप चलवाऊंगी। अरे, छठ का प्रोग्राम है आज, इनका वो शुरू हो गया कार्यक्रम, कल और परसों 2 दिन का त्योहार है इनका, करवाते नहीं हो? आ जाओ मेरे पास, मैं यही खड़ी हूँ। लगो इसके सारे काम छोड़ के करो इसको, कोई इसमें टोकाई नहीं बरतनी चाहिए। गाजियाबाद की मेयर है, इनका नाम है आपको आशा शर्मा। आशा शर्मा व्रतियों को लेकर के ये तालाब के पास पहुंची और जब सूखा तालाब इन्होंने देखा तो इनके गुस्सा, इनका जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत फोन लगाया और फोन लगाकर कहा कि आज के आज इसमें पानी होना चाहिए, पंप चलना चाहिए, अदरवाइज ये पंप का पानी, फिर आप समझ सकते हैं, आपने सुना है वो बातें इनकी। खैर, ये तो बात सही है कि अगर पानी ही नहीं रहेगा तो व्रती अर्घ कहां देंगे, कैसे देंगे, ये संबंधित अधिकारी का सबसे बड़ा दोष है। इस पर्व में सभी लोग, क्या बड़े क्या छोटे, सभी लोग सहभागी बनते हैं पुण्य के कार्य में। अगर ये अधिकारी इस तरीके का दोषी है तो मेयर का गुस्सा भी जायज है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।